आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज में सी टोकेंस के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी टोकेंस। सी टोकेंस को अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे टोकेंस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे एंटिटीज यूज होते हैं। उन सारे एंटिटीज को हम लोग टोकेंस कहते हैं। अब उन एंटिटीज को अगर हम क्लासिफाई करें तो सी लैंग्वेज में हमें अलग अलग टोकेंस दिखेंगे, अलग अलग नाम से दिखेंगे। अगर डिफरेंट टोकेंस के सी में, तो सबसे पहला आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब अगर इसे हम डिफाइन करें तो कहेंगे आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एंटिटीज। अब हम बात करें छोटे से प्रोग्राम की, तो चलिए हमें सी नहीं आता लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, हम इंग्लिश में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे एक नंबर लेना होगा, उस नंबर को मल्टीप्लाई करके रखना होगा किसी में और फिर हमें रिजल्ट को प्रिंट कर देना। इस तरह से हमें 25 मिलेगा। अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो और इस बात को, इस प्रोग्राम को मुझे अगर इंग्लिश में तैयार करना हो तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट वी हैव टू टेक अ नंबर, नाउ मल्टीप्लाई इट विथ इटसेल्फ एंड गेट द रिजल्ट एंड दैट विल बी स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। इसी बात को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया। सपोज वी हैव अ नंबर 5 जिसे मैंने एक जगह पे रखा एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट प्लेस विद अ नेम दैट इज योर ए। हियर अगेन we have to keep the result, we have taken the next name B where we are keeping the result and finally we are printing the result on a screen. So here what you are getting A and B, these are the identifiers, these are the name given to identify the program entities. मतलब एक प्रोग्राम में जो भी वो नाम जो आप सजेस्ट करते हो, आप देते हो किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोग्राम के किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे ही हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर बात करें आइडेंटिफायर्स की, तो सी लैंग्वेज कहता है कि यस यू कैन स्पेसिफाई आइडेंटिफायर्स, बट इफ यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई एनी आइडेंटिफायर इन सी यू मस्ट फॉलो सम रूल्स। ये कहता है कि जब आप कोई आइडेंटिफायर देने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में तो आपको कुछ रूल को समझना होगा। पहला कहता है कि आप कोई भी आइडेंटिफायर का नेम जो देंगे वो हमेशा अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा कहता है इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड क्या होता है हम देखते हैं। थर्ड कहता है कि इट शुड नॉट हैव एनी स्पेस, आपके उस आइडेंटिफायर नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल्स और कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर छोड़ के बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अगर हमने आइडेंटिफायर के रूप में सी लैंग्वेज में लेना है तो अगर हम आइडेंटिफायर जैसे पी अमाउंट, ये एक आइडेंटिफायर है, ये चलेगा। पी डैश अमाउंट लिखें, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पी अंडरस्कोर अमाउंट नाम से कोई अगर आइडेंटिफायर चूज करे तो ये राइट हो जाएगा। A1 नाम से चूज करें, A2 नाम से चूज करें तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर हम 1A, 2A नाम से कोई आइडेंटिफायर चूज करें तो ये रॉन्ग है। सो आइडेंटिफायर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें आती हैं जो हमारा सी टोकेंस का एक सेक्शन है। बात करें अगर कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स के बारे में कहा गया है कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच कन्वे अ स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में जो भी प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, उसे ही हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। अब बात करेंगे किसी भी लैंग्वेज की, तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक डिक्शनरी है, जिस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइंड है जिसे हमें मेमोराइज करना होता है ताकि हम उस वर्ड का उस जगह पे इस्तेमाल कर सके। उसी तरह से सी लैंग्वेज ने बहुत सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स दे रखे हैं, जो आपके सी लैंग्वेज की अगर डिक्शनरी में बात करें तो आपको 38 के करीब प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं जो कि खास मीनिंग लेके कन्वे करते हैं। आप उन्हें आइडेंटिफायर के रूप में चूज नहीं कर सकते। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो आप बस यही समझ लीजिए कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें कम, हो, यस्टरडे, टुमारो,
ये सभी प्री डिफाइंड वर्ड है जिनका कि एक स्पेशल मीनिंग होता है और इन्हें हम उस जगह पे ही रखते हैं। अगर हम इसे कि आइडेंटिफायर के रूप में जैसे किसी का नाम रख दे यस्टरडे, किसी का नाम रख दे टुमारो, तो वहां पे ये कंफ्यूज करेगा। उसी तरह से इस सी लैंग्वेज में भी कहा गया है, जब हम आपको आइडेंटिफायर बता रहे थे कि इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, तो यस जब भी आप कोई आइडेंटिफायर दें, मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप एक यूजर अपना कोई चीज आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा होता है, वहां पे आप कीवर्ड्स को छोड़ के कोई और देंगे, क्योंकि हर कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड है और उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। माने आपका लिटरल्स, लिटरल्स के बारे में कहा गया है कि दीज आर द कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंटेशन इन अ प्रोग्राम। लिटरल्स मतलब होता है कॉन्स्टेंट। आप किसी प्रोग्राम में जब कोई डेटा एंटर करते हो तो एक जो डेटा या उसकी जो वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट है, उसे हम लोग लिटरल्स करते हैं। लेकिन वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, तो इसे हम लोग लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। अगर आप कोई कांस्टेंट अल्फाबेट्स या कोई डिजिट्स देते हैं या कोई एक सिंबल देते तो इसे हम लोग कहते हैं, ये सिंबल्स हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर में इंक्लोज रहेगा, इसे हम कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से अगर कोई नेम की बात करें, कोई भी आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, कोई टेक्स्ट हो, तो वो हमेशा इंक्लोज होता है डबल कोट्स के अंदर में, और उसे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। So literals are the constant representation in a program. आपके प्रोग्राम में जो भी constant value है उसे हम लोग literals कहते हैं। अब वो constant value अगर number में है तो उसे हम integer literal कहेंगे, अगर वो constant value कोई point में है या fractional है तो उसे हम floating point constant या literals कहेंगे, अगर कोई वो alphabets या एक digit है single character का उसे हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे, और अगर वो कोई टेक्स्ट या नेम है या सेंटेंस है तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्ट्रिंग। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो कहा गया ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रिगर टू परफॉर्म सम एक्शंस। ऑपरेटर्स उन सिंबल्स को कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अब वो ऑपरेशन कोई कैलकुलेशन हो सकता है, कोई कंपेरिजन हो सकता है, कोई डिसीजन मेकिंग हो सकता है, कोई लॉजिकल हो सकता है। के बाद हम बात करें तो सेपरेटर्स की, सेपरेटर्स के बारे में कहा गया दीज आर अगेन सिंबल्स बट दीज आर अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटर्स। वैसे सिंबल्स जो ऑपरेटर्स से अलग हैं बट जिनका इस्तेमाल प्रोग्राम के किसी भी एलिमेंट्स को या एंटिटीज को सेपरेट करने में किया जाता है। जैसे अगर आप दो आइडेंटिफायर यूज करते हैं तो आप दो आइडेंटिफायर को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करेंगे। उसी तरह से आप अगर कोई एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसको सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल